हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फोटेक अथॉरिटी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे विंडोज 11 के लिए बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे, राइट। तो जो पहला स्टेप है, पहला तरीका है, वो बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको सीधे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से बना सकते हैं। आप सिंपली गूगल पे टाइप करो विंडोज 11 डाउनलोड और माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे चले जाओ, जो सबसे पहला लिंक आता है, वहाँ से आप विंडोज 11 पे क्लिक करो। तो यहाँ पर दोस्तों आ रहा है आपके पास विंडोज 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट या क्रिएट विंडोज 11 इंस्टॉलेशन मीडिया। तो इस वाले लिंक पे जाके आप इसे पढ़ सकते हो, वैसे पढ़ना चाहो तो, बट यहाँ से सिंपली इसे डाउनलोड नाउ कर लो, राइट। तो ये इसे मीडिया क्रिएशन टूल कहा जाता है। इससे आप 10 के लिए भी वो टेबल पेन ड्राइव बना सकते हो, 11 के लिए भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मीडिया क्रिएशन टूल को जब आप ओपन करोगे, यस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एटलीस्ट 1 GB वाला पेन ड्राइव होना चाहिए। यहाँ पे आप एक्सेप्ट करोगे तो आप इजीली बना सकते हो, और किसी भी कंप्यूटर में आप विंडोज 10 11 इंस्टॉल कर सकते हो जो सपोर्टेड होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है सेलेक्ट लैंग्वेज एंड एडिशन, ये इसी कंप्यूटर के लिए जो रिकमेंडेड है वो इसने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहते हो नहीं तो आप यहाँ से लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हो, राइट। और यहाँ से नेक्स्ट कर दो। तो यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन आया है, एक तो आप USB फ्लैश बनाओगे या ISO फाइल डाउनलोड करोगे, राइट। तो मैं आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है, USB फ्लैश ड्राइव, और नेक्स्ट करोगे तो ये इसने ऑलरेडी चूज कर लिया जो मेरा पेन ड्राइव लगा हुआ है। यहाँ पे इसने F ड्राइव को चूज कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों F ड्राइव ऑलरेडी मेरे पास है 16 GB का, तो ये इसने चूज कर लिया। तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी। अब ये इस तरीके से दोस्तों प्रोग्रेस में चला गया। अब ये उस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेगा, फिर ये डाउनलोड करेगा, और मेरा पेन ड्राइव थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। तो थोड़ी देर वेट करके देख लेते हैं, तब तक के लिए मैं इसे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं योर USB फ्लैश ड्राइव इज रेडी, राइट। तो ये एक तरीका है। अब जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा और टाइम लेगा और फिनिश हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये मेरा बूटेबल पेन ड्राइव बन गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों USB ड्राइव बन गया, और 16 GB में 10 GB अभी भी फ्री है। तो यानी कि आप 8 GB के पेन ड्राइव से आराम से बना सकते हो, राइट। तो इसे मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ सेटअप। तो इस तरीके से आ गया दोस्तों ये विंडोज 11 का, राइट। तो इसे आप अब आराम से किसी भी PC में बूट कर सकते हो, और बूट करके आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो इंस्टॉल विंडोज़ 11, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, राइट, क्योंकि मुझे अभी इंस्टॉल नहीं करना है। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ दोस्तों। दूसरा तरीका भी बहुत ही आसान है, जिसमें हम रूफोस टूल के ज़रिए करते हैं। एक टूल होता है जिसको कहते हैं रूफोस, डायरेक्टली आप गूगल में सर्च कर सकते हो रूफोस, तो यहाँ पर आ जाएगा rufus.ie, ठीक है। तो इसे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो रूफोस ये डाउनलोड हो जाएगा। अब आप इसे ऑन करोगे, जब आप इसे ऑन करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें आप नो कर दो और ये खुल के आ जाएगा,
राइट। अब ये खोल के आ गया तो यहाँ से भी आप सिंपली बना सकते हो। तो इसने देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिवाइस चूज करना होता है, मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। राइट, यहाँ से आप अगर दो हैं तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। इसके बाद ये बोल रहा है ISO इमेज। तो रोफोस में क्या होता है दोस्तों, रोफोस में ISO इमेज के जरिए बनाया जाता है। ISO इमेज मैंने पिछली वीडियो में डाउनलोड करना सिखाया था, अगर नहीं पता तो आप आई बटन से वीडियो देख के वहाँ से सीख लेना। तो मेरे पास ISO इमेज ऑलरेडी है, मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। सो दोस्तों मेरे पास ये ISO इमेज है जो मैंने 27 तारीख को डाउनलोड किया था। इसे ओपन करूंगा तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है इमेज ऑप्शन स्टैंडर्ड विंडोज 11 इंस्टॉलेशन TPM 2.0 सिक्योर बूट। ठीक है, तो इस तरीके से ये ड्राइव बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको यही वाला चूज़ करना है, अगर आपके पास 2.0 वाला है सिक्योर बूट है तो ये चूज़ करना है, नहीं तो आप यहाँ पे ये भी ऑप्शन है ये भी चूज़ कर सकते हो ओल्ड कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए। तो पहले हम फिलहाल ये ऊपर वाला ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे GPT पार्टीशन बोल रहा है, GPT ही आपको रखना पड़ेगा क्योंकि जो जो नए कंप्यूटर अब आ रहे हैं उनमें GPT ही होता है, और GPT ही विंडोज़ 10 भी GPT सपोर्ट करता है, वैसे विंडोज़ 10 दोनों सपोर्ट करता है। अब यहाँ से आपको ये चीज़ UEFI और नॉन CSM, यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी आपको। अगर आप MBR करोगे पुराने कंप्यूटर के लिए तो यहाँ पे BIOS भी मिलेगा। राइट, फिलहाल हम BIOS जो जिसमें जो पुराने BIOS होते थे जिनमें माउस नहीं चलता था वो BIOS होता था, और जिनमें माउस चलता है वो UEFI होते हैं। इनके बहुत सारे दूसरी चीज़ें भी होती हैं, हालांकि जो सिंपली अगर आपको पहचानना हो तो जिस BIOS में माउस चलता है वो UEFI होता है, और जिसमें माउस नहीं चलता वो MBR वाला होता है। राइट, तो यहाँ पे आप GPT और UEFI रहने दोगे जो डिफ़ॉल्ट था। उसके बाद वॉल्यूम लेवल, जो जो अभी लेटेस्ट कंप्यूटर हैं सब में UEFI BIOS ही होता है, तो आप सिंपली यही करोगे। अगर इससे नहीं चले तो आप MBR भी चूज करके देख सकते हो। तो फिलहाल और यहाँ पे ये वॉल्यूम लेवल है, ये CCC कोमा ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, विंडोज 11। ठीक है, और यहाँ पे फाइल सिस्टम वगैरह सब कुछ सेम रहने दो, और यहाँ से आप कर दो स्टार्ट, लेट्स डू स्टार्ट। तो ये फॉर्मेटिंग के लिए बोल रहा है, ओके कर दो। सो दोस्तों ये इस तरीके से अभी ये डिलीटिंग पार्टीशन कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये हमारा बूटेबल डिस्क रेडी हो जाएगा। रूफोस आप तब यूज़ करोगे जब आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, डाउनलोडेड ISO है, तो आप रूफोस यूज़ कर सकते हो। हालांकि रूफोस ही सही रहता है, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। राइट, तो इस तरीके से आप रूफोस के जरिए आसानी से जल्दी बना सकते हो, बहुत बढ़िया टूल है। हालांकि अगर आप डायरेक्टली विंडोज़ की मीडिया क्रिएशन टूल से बनाओगे तो वहाँ पर भी बन जाएगा, लेकिन उसमें ऑप्शंस कम होती हैं। तो लेट्स वेट जब तक ये कंप्लीट होता है, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बूट करा के भी दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेडी लिख के आ गया। राइट, इसके कई स्टेप्स थे, दो तीन स्टेप, उसके बाद ये रेडी लिख के आ गया। अब आप इसको क्लोज पे क्लिक करोगे तो आपका ये क्लोज हो गया, और आपका जो बूटेबल डिस्क है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल रेडी है, 9.15 GB फ्री। राइट, ये जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे ही। अब मैं इससे बूट करके आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, बूट करने के लिए आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लोगे। राइट, और उसके बाद जो भी आपके कंप्यूटर का बूट की होगा उसे आप प्रेस करोगे। मेरे में है F8, तो मैं ये F8 की को करूँगा टैप। तो जब मैं की को टैप करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा बूट मेन्यू। आपको जब रिस्टार्ट करते टाइम की को अप डाउन करते रहना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से जो बूट मेन्यू है वो खुल के आ गया।
तो यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं दोस्तों, UEFI पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, सैन डिस्क का हार्ड डिस्क, आप सैन डिस्क का पेन ड्राइव आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो हमें यही चूज करना है, UEFI सैन डिस्क। ऊपर मेरे हार्ड डिस्क दिखा रहे हैं, अब मुझे चूज करना है UEFI सैन डिस्क 1 चूज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो PC है अब विंडोज 11 के लिए बूट होने लग गया। सो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से मेरा जो PC है वो बूट हो गया है और यहाँ पे लिखा आ गया इंस्टॉल विंडो, राइट। तो इस तरीके से आप विंडोज़ 11 को अपने बूटेबल PC से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ये इसके लिए आपको पूरा, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों विंडोज 11 के सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, आपको जो भी इंस्टॉल करना है आप चूज करके नेक्स्ट कर सकते हो। सो दोस्तों इस तरीके से आपका जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो अब काम कर रहा है, आप इसे यूज कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़, मुझे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।